उद्योग जगत में कुशल मानव संसाधन की जरूरतों को देखते हुए योगी सरकार अब निजी क्षेत्र का सहयोग लेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं के कौशल को नए पंख लगेंगे। देश की चार दिग्गज कंपनियों की मदद से सरकार बाजार की मांग के अनुसार युवाओं का कौशल निखारेगी। इसके लिए सरकार के व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार की है, जिसके लिए निजी कंपनियों जैसे कि टाटा की TCM, HCL, टेक्नोलॉजिस, टेक महिंद्रा, IBM, रिचा का सहयोग लेगी। इन उद्योगों की मदद घरेलू एवं वैश्विक जरूरतों का आकलन करके युवाओं को उनके हिसाब से तैयार करने के लिए किया जा रहा है, ताकि शिक्षा के बाद रोजगार की समस्या को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, अगर छात्रों को उद्योगों द्वारा प्रशिक्षण देकर परिपक्व बनाया जाए। इसी पर काम करते हुए विभाग अपनी आगामी 100 दिवसीय योजना के अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश की 50 राजकीय ITI का आधुनिकीकरण करने जा रहा है, जिसमें ITI में प्रशिक्षण के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग होगा। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ITI में आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी तरफ IT सेक्टर के लिए युवाओं को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार किया जाएगा। विभाग द्वारा तैयार किए गए प्लान के अनुसार HCL टेक्नोलॉजीज जैसी दिग्गज कंपनियों के सहयोग से 10,000 युवाओं को IT सेक्टर में प्रशिक्षण व सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। यही नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को मानदेय भी मिलेगा। हेल्थ सेक्टर पर भी योगी सरकार का खासा जोर है और क्षेत्र की जरूरतों के मद्देनजर योगी सरकार टेक महिंद्रा के सहयोग से हेल्थ सेक्टर के नए कोर्सेज में कस्टमाइज ट्रेनिंग हेतु एक अनुबंध करेगी। इस प्रशिक्षण से युवाओं को इस योग्य बनाया जाएगा, वे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में योगदान दे सकें। IBM रिचा के माध्यम से IT सेक्टर के नए रोजगार परक ट्रेड्स में प्रशिक्षण हेतु अनुबंध किया जाएगा, जिससे युवाओं को नौकरी पाने में मदद मिलेगी।